अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़, मैं हूं महनूर असलम। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। अब बात करते हैं अंदरूनी सिंध में बढ़ती हुई लेडीज आवाज में बंदों को बुलाकर अगवा करने का। तोठल इलाके करीम बख्श के करीब दो नौजवानों अली हसन और एहसन बंगाली को अगवा कर लिया गया। मजीद जानते हैं सिंघार अली से। जब तक हमारे बंदे इमरान बाजियाब नहीं करवाते, ना एसएचओ नाबरकोट हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, ना जिला कश्मीर, ना जिला शिकारपुर। हमने बार बार एहतजाज किया हुआ है, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। हम अल्लाह हुक्म से यही मुतालबा करते हैं कि हमारे नौजवानों को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ रोज कबल जिला कश्मीर और जिला शिकारपुर की गवर्नमेंट ने यहाँ के टेररिस्टों को सिलेंडर का मौका फराहम किया, लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ के रोज नौजवानों को अगवा का मामूल बन चुका है। आला हुकाम को चाहिए कि नौजवानों को जल्द से जल्द बाजियाब करवा के डाकुओं के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ सिंगार अली, आन न्यूज, करमपुर। दूसरी तरफ रहीम या खान में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ बड़े अरूज के साथ जारी है। शहर में बैचेस और झंडियों के स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं। नगर नगर गली गली को सजाने के लिए अहले इस्लाम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में लगाए गए स्टॉल्स से नालैन पाक और बैचेस खरीदने में मसरूफ हैं। अहमद मुज्तबा रहमतुल आलमीन की आमद की खुशी में बाजारों, गलियों, मसाजिदों और घरों को बरकी कैमों से सजा कर रोशन किया गया है। माह रबीउल अव्वल के शुरू होते ही अहले इस्लाम झंडे बैचेस खरीद कर गाड़ियों और घरों को सजाते हैं। प्यारे नबी की विलादत के सिलसिले में तैयारियां बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। कामोकी में सलामतपुरा में ख्वाजा सराहों में एरिया के तनाजे पर झगड़ा। ख्वाजा सरा शमा शादी वाले घर में मौजूद था के ख्वाजा सरा अच्छू ने साथी के हमराह हमला बोल दिया। कामोकी में ख्वाजा सरा अरशद और अच्छू और हाशिम ने शमा ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ख्वाजा सरा अच्छू और हाशिम लड़ाई के दौरान शमा के कानों से तलाई बालियां नोच कर ले गए। शेखुपुरा में सैयद तारिक महमूद बुखारी की जेर सदारत बैनुल मजहब हम आहंगी कमेटी का इजलास डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें शेखुपुरा में मुकीम तमाम मजाहब मसालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात का बगौर जायजा लिया गया और इनको हतमी शक्ल दी गई। इजलास में मौजूद तमाम मुकर्ररीन ने मुल्क में रहने वाले तमाम मजाहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दरमियान बाहमी प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सैयद तारिक महमूद बुखारी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जलूसों के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। कंट्रोल रूम का कयाम समेत दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन सरगोधा में रेजन ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैंपस खुशाब के क्लर्क को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन सरगोधा रीजन ने करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग करते हुए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई तेज कर दी है। मुलजिम अब्दुल करीम क्लर्क एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिश्वत की रकम 60,000 निशान ज़दा नोट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी पनुआकिर के चेयरमैन शब्बीर अहमद शेख ने तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज के नकारा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम जारी है। मुख्तलिफ गली मोहल्लों में टफ टाइल्स का काम आखिरी मराहल में दाखिल होने लगा। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान शहरियों से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने तरक्याती कामों के फंड्स में कमी कर दी है। म्यूनसिपल चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया में एतराज असलम मार्थ ने पिंडी भटिया चन्योट रोड पर कब्रिस्तान की दीवार के साथ जेरे तामीर होने वाली दो दुकानों को अपनी निगरानी में मसमार करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया में एतराज असलम मार्थ की हदायत पर रेवेन्यू ऑफिसर जाहिद शाह, हल्का पटवारी और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने मौका से तमाम दीवारों को मसमार करने के बाद मलबे को क्लियर कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने बाऊ मुबशर के खिलाफ पर्चे का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया एतराज
इम्तियाज मार्च ने मजीद कहा कि सरकारी जमीनों और सरकारी रास्तों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उज शरीफ में माहिर बिन अव्वल की आमद के साथ ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। घरों मोहल्लों को सजाने के लिए परचम और झंडियों के खरीदारी के स्टॉल्स भी लग चुके। मजीद जानते हैं शहजाद खलील की इस रिपोर्ट में। जो ही रबीउल अव्वल शरीफ के माह मुकद्दस का आगाज होता है तो आशिकान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठते हैं और इस पूरे माह मुकद्दस को इंतहाई अकीदत व एहतराम और शयान शान तरीके से मनाते हैं। घर घर मुआफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद होता है। गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। मसाजिद और बुलंदोबाला इमारात पर चरागा के खूबसूरत मनाजिर को फरतंगी नज़ारे पेश करते हैं। दरूद सलाम की बेमिसल और खूबसूरत सदाएँ समातों से टकरा कर कानों में रस घोलती हैं। रबीउल अव्वल के महीने की आमद के साथ ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। घरों गलियों मोहल्लों को सजाने के लिए परचम झंडियां और बैजेस की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान खुशियाँ मना रहा है, गलियाँ सजा रहा है, मस्जिदें सजा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मना रहे हैं। मोहल्ले सजा रहे हैं, गलियाँ सजा रहे हैं, शहर सजा रहे हैं, गांव सजा रहे हैं, मस्जिदें सजा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं और बत्तियाँ लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महीना ये और चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारी खुशकिस्मती है। महीना है बारह रबी अव्वल का महीना आ गया माशाल्लाह। सामान की लड़ाई से बैच वगैरह की लड़ाई से माशाल्लाह महीना बाबरकत का है, जहाँ से हम सामान खरीदने आए हैं, घर जाके सजाएंगे झंडे बैच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और हकीकी मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात गिरामी की रोशनी में रब गफूर की तरफ से अता करदा अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें। कैमरामैन टीम के हमरा शहजाद खलील, ऑन न्यूज़ उज शरीफ। सियालकोट में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में पाकिस्तान सुन्नी तारीख के जिलाई सदर जहांगीर कादरी की कयादत में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड, जमीयत उलमा पाकिस्तान, तंजीमात मरकजी अहले सुन्नत और जमात के ओहदेदारान के अलावा कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में जिलाई सदर जहांगीर कादरी ने खिताब करते हुए सियालकोट में आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर शरई अंदाज में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को मनाना मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस फ़खर है, लेकिन सियालकोट में कुछ लोग गली कूचों में मुख्तलिफ तरीकों से गैर शरई अंदाज से जश्न ईद मिलादुन नबी मना कर गुस्ताखी के मरतकब हो रहे हैं। इस मौका पर जिले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मुतअद्दिद दरख्वास्त भी दे दी गयी है, जिसके बारे में जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद के सिलसिले में रात गए तक गली कूचों में मखसूस लिबास पहनकर नौजवान नस्ल को भारी रकम के एवज बैंड बाजे बजाकर रिहर्सल कराई जा रही है। सहाफत की दुनिया में एक और बाग बंद हो गया। सहाफत की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले मेंबर प्रेस फाउंडेशन, सदर डडियाल प्रेस क्लब, नुमाइंदा नवाए वक्त डॉक्टर मोहम्मद इसहाक रजा इलाही से वफात पा गए। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने अपनी जिंदगी कलम के जरिए लोगों के मसाइल हल करने में वक्फ कर दी। डॉक्टर इसहाक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजा में आजाद कश्मीर भर से नामवर सहाफी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख अश्क बार थी। जनाजा में आजाद कश्मीर से तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पत्तोकी के इलाका रुकनपुरा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बैरून ममालिक से आए डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। पत्तोकी के नवाही इलाका रुकनपुरा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया,
जिसमें बैरून ममालिक से आए डॉक्टर समेत 25 स्पेशलिस्ट ने मुख्तलिफ देहातों से आने वाले 500 से जायद मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया। फ्री कैंप में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, थैलेसीमिया, न्यूट्रिशन और आंखों समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के टेस्ट किए गए और उन्हें फ्री अद्वियात भी फराहम की गयी। इस मौका पर डॉक्टर राना जिशान ने अपनी तरफ से अतिया की गई एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह भी कर दिया। डॉक्टर जिशान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एम्बुलेंस फ्राहम करने का मकसद दर्जनों देहातों के लोगों को सहूलियात फ्राहम करना है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। फ्री कैंप में आने वाले डॉक्टर्स ने भी खुशी का इजहार किया और इनका कहना था कि वो आइंदा भी ऐसे खिदमत खल्क के कामों में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मतलब गांव के लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, फ्री मेडिसिन दी जाए, और साथ हमने एक एम्बुलेंस का एम्बुलेंस डोनेट की है गांव के लोगों के लिए, ताकि जो मतलब एमरजेंसी केसेस हैं लाहौर जाने में, पत्तों की जाने में जिनको मुश्किल होती है और एमरजेंसी में नहीं अरेंज हो सकती कोई कन्वेंस, तो उनके लिए हमने एम्बुलेंस का इफ्ताह किया। तो इंशाल्लाह एक कॉल पे आपको आपके घर के बाहर एम्बुलेंस मिलेगी जी। लोगों को हमने जो जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको पिक करने में थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उनको गाइड किया है। हम लोगों ने गाइड किया है न्यूट्रिशन के रिलेटेड, उनको न्यूट्रिशन अवेयरनेस दी है हम लोगों ने, और उन्होंने अपने इश्यूज हमारे साथ शेयर किए हैं, हम लोगों ने उनको उनके सोल्यूशन बताए हैं और उनको डाइट प्लान्स बना के दिए हैं और प्रॉपर उनको गाइड किया है उनके डिजीजेस के रिलेटेड। ये कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था कि अपने जो इलाके के मतलब हमारे गांव के गरीब लोग हैं उनको वो हेल्थ की वो सारी फैसिलिटीज दी जाएँ जो उनको मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसके लिए उनको जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है। इतने जी हर शायद उन्होंने फ्री चेक की, दवाई फ्री बिल्कुल अच्छी तरह उन्होंने चेक किया, सू कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हर डॉक्टर ने अच्छी तरह चेक किया, सू टेस्ट किए ने बिल्कुल दवाई फ्री थी। प्रोग्राम है ये एम्बुलेंस का, उसने किया है, बहुत ऐसी डेथ हुई हैं जो बगैर कन्वेंस के नहीं मिली तो वो डेथ हो गई हैं। उसका ये प्रोग्राम था कि मैं एक एम्बुलेंस से ले कर अपने इलाके में छोड़ूँ जो बार वक्त अपना मरीज टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच जाए। मांगा मंडी शहर में फराडिया गैंग सरगर्म हो चुका है। शहरी फराडिया गैंग के हाथों शदीद परेशान होने लगे। शहरियों ने मलिक अमार और जावेद के खिलाफ थाना मांगा मंडी में दरख्वास्त दर्ज करवा दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास चौहान से। जी बिल्कुल, मांगा मंडी शहर में फराडिया गैंग सरगर्म हो चुकी है। शहरी फराडियों के हाथों शदीद परेशान है। मलिक अमार और जावेद नामी नौसरबाद ने बिलाल नामी शहरी को 1,70,000 का चूना लगाकर फरार हो गए हैं। मोहम्मद बिलाल नामी शहरी ने थाना मांगा मंडी में मलिक अमार और जावेद नामी फराडिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। अमार नामी फराडिया ने अपनी गैंग के हमरा सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करके मांगा मंडी के इलाका में खौफो हराज फैला रखा है। अमार नामी नौसरबाज ने शहरियों से भारी रकम से मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट, माल मवेशी, दीगर अशिया मुख्तलिफ तरीकों से फ्राड के जरिए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। शहरी मोहम्मद बिलाल ने मकामी थाना में दरख्वास्त दायर कर दी है और पुलिस से मुतालबा करते हुए कहा है कि मलिक अमार को गैंग समेत गिरफ्तार करके सलाहों के अंदर बंद किया जाए और मेरी लूटी हुई रकम वापस दिलवाई जाए। जी मुल्तान में मोटरवे M5 सेक्शन मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे के खुलने से पंजाब और सिंध के फासले सिमट गए। मुल्तान में मोटरवे M5 सेक्शन मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 352 किलोमीटर के मोटरवे के सेक्शन का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज किया गया है। सखर का सफर 8 घंटे की बजाय अब 3 घंटे 15 मिनट में तय होगा। मोटरवे खुलने से पंजाब और सिंध के फासले सिमट गए हैं। ज़राए के मुताबिक मोटरवे M5 का इफ्तिताह कल इस्लामाबाद निजी होटल में किया गया था। खबरें आपने जानी, मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। देखते रहिए ऑन न्यूज़।